बी एस येडियुरप्पा को इकतदार से निकालने की वजह वो एज बता रहे हैं, मगर ये हकीकत रही है कि उनकी उम्र 75 थी जब आवाम के बीच में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोल करके जो है उन्होंने मैंडेट लिया है। अब उनका एज की 75 प्लस बोलना मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की मौकरी है, जमहूरियत का मजाक है। जब आप 75 रहने के बाद आपको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से प्रोजेक्ट किया गया है और 2 साल के बाद उनको निकाला गया है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर हमारा मेयर डिप्टी मेयर बनना तो तय है। वी विल बी पार्ट ऑफ द पावर कॉर्पोरेशन के अंदर, हम इकतदार में आएंगे जरूर। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. Government का एक direction है, मगर election commission क्या फैसला लेगी उसके बारे में कोई stand clear नहीं। हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर election commission का notification भी आ जाए, और जहाँ तक के corporation का मामला है, गुलबर्गा शहर की तारीख रही है। यहाँ पर सिंगल मेजॉरिटी में कभी किसी पार्टी ने इख्तदार यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉरपोरेशन के अंदर रूल की है, और कांग्रेस ने कभी भी सिंगल मेजॉरिटी पे यहाँ पर रूल नहीं किया है। कुमारस्वामी एक वाहिद अल्टरनेट है, जनता दल सेक्युलर एक वाहिद अल्टरनेट है जो उनका मुकाबला कर सकती है। ये आवाम जान चुकी है और इंतज़ार कर रही है इलेक्शन आने का। मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने इलेक्शन के अंदर कर्नाटका के अंदर इक्तदार में जनता दल सेक्युलर रहेंगे और कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और साथ ही साथ एमपी इलेक्शन के अंदर भी इंशाल्लाह इस थर्ड फ्रंट के एक यूनाइटेड फोरम के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर देवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में शरद पवार कॉम्बिनेशन बन करके इंशाल्लाह 2024 के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को निकाल फेंक करके थर्ड फ्रंट की हुकूमत बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करने का मन जो है, मैं हिंदुस्तान के अवाम सेकुलर जहन रखने वाले लोग बना चुके हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कर्नाटका के अंदर भी जनता दल सेकुलर को मजबूत करें, कुमार स्वामी को मजबूत करें, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर इस फैसिस्ट कम्युनल और नाहल हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी की है, इस नाहल हुकूमत को निकालने के लिए सबसे अहम चीज़, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कर्नाटका में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं था। बीएस येडियुरप्पा की यह हुकूमत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हॉर्स ट्रेडिंग के स्किल्स, यहाँ पर कांग्रेस के एमएलएस को खरीद करके, जेडीएस के एमएलएस को खरीद करके, ऑपरेशन लोटस को यहाँ पर अंजाम दे करके, तमाम जितने भी रिसोर्सेस है उन तमाम रिसोर्सेस को यूज़ करके, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वो मनी पावर हो, चाहे वो पेगासस है, पता नहीं जो चीज़ है, मुझे यकीन है कि तमाम फोर्सेस लगा करके यहाँ पर हुकूमत बनाई गई। अब यहाँ पर बी एस येडियुरप्पा के 2 साल की हुकूमत आवाम करीब से देखी है, ये जो है कर्नाटका की तारीख के सबसे करप्ट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की। इसका असर कर्नाटका के हर महकमे में पड़ चुका है, पूरे डिपार्टमेंट्स करप्शन के हाइट को रीच कर चुके हैं। और इस 2 साल के दरमियान जो कोविड का जो मामला आया है, इसका जो मिसमैनेजमेंट, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट रहे या पे येडियुरप्पा है, दोनों अटर फेलियर रहे हैं आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में एक इफेक्टिव काम करने में उनका बिटर फेलियर रहा है, बहुत बड़ा फेलियर उनका रहा है। एज ए सिटीजन ऑफ कर्नाटका मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बसवराज बोम्मई जी भी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कोई इस चीज़ इस फील्ड के अंदर करप्शन को ख़त्म करने के अंदर उनका कोई योगदान नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी इक्तदार में आती है तो करप्शन का उनके पास, मैं समझता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट है, परसेंटेज फिक्स है, चीफ मिनिस्टर लेवल से लेकर के एमएलए लेवल तक जो है वो ज़्यादा उम्मीद करना मैं समझता हूँ कि बेमानी होगा, मगर फिर भी
मैं उम्मीद करता हूं कि बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक कुछ नए चेंजेस आएंगे और सीरियसली आवाम के मसाइल को हल करने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर गुलिस्ता दो डेकेड से, मैं समझता हूँ 20 साल से, यहाँ पे कर्नाटका के पॉलिटिक्स के अंदर बीएस येडियुरप्पा जी, सिद्धरामैया जी और हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब की, ये तीन लोगों के चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट्स हैं, तीन लोगों के चेहरे कर्नाटका के अंदर बीदर से लेकर जो है श्रीरंगपटना तक हम आइडेंटिफाई है। पैन कर्नाटका लीडर्स अगर कोई है तो ये तीन लोग हैं। आज बी एस येडियुरप्पा साहब को जिस तरीके से निकाला गया, उनको इख्तदार से हटाया गया बीजेपी में, वो आवाम देख रही है। और कांग्रेस के अंदर एक दिन जो है चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट सिद्धरामैया बोलते हैं, एक दिन डीके शिवकुमार बोलते हैं, एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की हालत आवाम देख रही है। कांग्रेस के अंदर इट इज़ ए डिस्टर्ब्ड हाउस। हिंदुस्तान भर में कांग्रेस से आवाम उम्मीद रखना भी छोड़ चुकी है। कर्नाटका में थोड़ा बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गुलिस्ता एक दो तीन महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्रेडिबिलिटी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी की डिसयूनिटी, इट इज़ द कॉमन टॉक जो है गली कूचों में हो रही है कि कांग्रेस के अंदर कुछ हो नहीं सकता, कांग्रेस की लीडरशिप जो है झगड़ रही है। आज कर्नाटका के अंदर एक वाहिद लीडर जो पैन कर्नाटका एक्सेप्ट किया जाता है, तमाम कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, तमाम वर्कर्स को आइडेंटिफाई करता है, कर्नाटका के तमाम मसाइल को समझता है, तो वो अगर कोई है तो वो हमारे कुमार स्वामी जी हैं, कुमार राणा हैं। आज कुमार स्वामी इज़ द सोल चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट, मैं समझता हूँ कि मोस्ट पॉपुलर अगर कोई है सिंगल है तो वो हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि आपने सवाल जो पूछा है कि जनता दल का क्या है, जनता दल सेक्युलर जो है आज अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प कर रही है। मुझे यहाँ पर कल्याण कर्नाटका का एक, मुझे भी एक ऑब्जर्वर बनाया गया, मुझे लीडर का ऑब्जर्वर बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट से जो है उसको स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जो ऑब्जर्वर हैं तिम्मैया पुरले और आइलिन जॉन मठपति, उन्होंने, मैं समझता हूँ, गुलबर्गा का असेंबली प्रेसिडेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बूथ लेवल पे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके उनको हम बूथ कमिटीज बना रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी जो है यहाँ पर काम हो रहा है। आवाम के बीच में जा कर के जनता दल सेकुलर को मजबूत बनाना है। कर्नाटका की एक वाहिद पार्टी जो है वो जनता दल सेकुलर है, और हिंदुस्तान भर में नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जोड़ी की जो है मिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है, उनके आँख में आँख मिला करके उनको शिकस्त दे सकता है, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ अगर आवाज़ उठा सकता है, तो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। चाहे वो ममता बनर्जी टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस टूथलेस हो गई है पार्टी, डायरेक्शनलेस हो गई है, लीडरलेस पार्टी जो है कांग्रेस है। पुलिस को अपने साथ रख करके, गुंडा एलिमेंट्स को खरीब लेकर के, उन गुंडों को लेकर पुलिसों से मदद करा करके, पुलिसों से आप उनको प्रेशर दिला करके, आप ज्वाइन करा करके अगर आप काम करने का सोच रहे हैं, तो ये टेम्पररी भारतीय जनता पार्टी को खुशी हो सकती है, मज़ा आ सकता है, मगर सेकुलर जहन रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को इंशाल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। वक्त आने पर हम जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। और साथ ही साथ जो इक्तदार में हैं वो लोग ऐसे एलिमेंट्स जो लोग चंद पैसे के लिए, गुत्तेदारी के लिए, पुलिस स्टेशन में थोड़ी सी मदद लेने के लिए जो बीजेपी जा रहे हैं, वो लोग उनको बुला करके बात करके उनको थोड़ी बहुत मदद दीजिए। बहुत पैसा कमा चुके हो, आपके गिने चुने 5-10 गुत्तेदारी पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा पैसे ऐसे लोगों को भी कमाओ जो इस माचरे को बिगाड़ने की पहल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी होना चाहिए, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, गली गली जाएंगे, मोहल्ला मोहल्ला जा करके हम मुत्तहिद करेंगे, हम आवाज़ देंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है,
ये सोच इसकी जो है किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। और मुसलमानों के मोहल्ले में आकर के अपनी फीट थपथपा करके हम आए हैं, सिर्फ दुआ कीजिए, वो दुआ मांग रहे हैं। हम उनसे इतना कहना चाहते हैं कि हम दुआ तो हर की इंसानियत के लिए हम दुआ करने वाले लोग, हमारे दिल में किसी के लिए बख्श नहीं है, मगर आप अपनी नीयत साफ कीजिए। MIM भी इस बार कर्नाटक से लड़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आपसे क्या, आप उसके बारे में MIM के ताल्लुक से कोई कमेंट करना मौजूद नहीं है, पर वो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है स्टिल, अभी MIM के बारे में बात करना कोई मतलब। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar.